अगर आप समझते हैं कि मर्सिडीज बेंज का फ्लैगशिप सेडान मॉडल इज द एस क्लास, तो आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि इनका जो फ्लैगशिप मॉडल है वो है ये है मर्सिडीज माइबा। एस क्लास का मॉडल है ये, दिस इज़ द माइबा वर्जन ऑफ द एस क्लास। ये लॉन्च हुई है जस्ट इन इंडिया आज ही। इसमें आपको दो मॉडल मिलेंगे, एक है ये, दिस इज़ द S580, दैट विल बी लोकली प्रोड्यूस्ड हियर इन मर्सिडीज बेंज पुणे प्लांट, और दूसरी है वो विच इज़ द S680, दैट इज द CBU मॉडल, द कंप्लीट बिल्ट यूनिट इम्पोर्ट मॉडल। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, हम बताएंगे सब कुछ ऑन दिस गॉर्जियस लुकिंग पीस ऑफ आर्ट कह दीजिए, या फिर यू डोंट नो, आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस, लेकिन आप देखते रहिए। मर्सिडीज बेंज प्रीमियम कार मेकर है, लग्जरी कार मेकर है, तो आपको अंदाज़ा लगाना है कि माइबा कितना लग्जरी होगा, बिकॉज दिस इज़ वन और टू नॉच हायर देन द मर्सिडीज बेंज। बात करते हैं व्हाट वी हैव राइट हियर, दिस इज़ द मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया माइबा, द S580। इसका अगर आप फेस की बात करें तो यू गेट दिस वेरी इंटेलिजेंट डिजिटल लाइट। ये लाइट कम है, दिस इज़ मोर लाइक अ प्रोजेक्टर, ये रोड पे प्रोजेक्ट करता है ऑल योर साइंस, यू नो, जो आपके रोड के साइंस है, अडेप्टिव हेडलैम्प भी है ये। दिस इज़ समथिंग वेरी फ्यूचरिस्टिक दैट वील लेट यू नो इन आवर कंप्लीट रोड टेस्ट, बट देन दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट। यू गेट दिस टोटली, यू नो, माइबा का जो डिस्टिंग्विश करता है वो आपको यहाँ पे ग्रिल मिल जाता है, गेट अ वेरी स्टाइलिश एंड इम्पोजिंग माइबा का यू नो ब्रांडिंग लोगो ओवर हियर, मर्सिडीज का ब्रांडिंग तो है ही बॉनेट पे। यू ऑल्सो गेट द एयर डैम, जो एयर डैम है इसके ऑल न्यू बम्पर में या अलग माइबा के बम्पर में, ये भी माइबा का स्पेशल एयर डैम है, दिस इज़ नॉट द रेगुलर एस क्लास वाला एयर डैम। द फेस लुक्स वेरी वेरी स्टाइलिश, एकदम लो स्लंग इम्पोजिंग इन टू योर फेस वाला एक लुक है, ये डिस्टिंग्विश करता है कि ये आपका कॉमन जो रेगुलर एस क्लास है वो नहीं है, दिस इज़ द माइबा। अगर साइड्स की बात करें तो आई जस्ट गिव यू अ सेकेंड और टू, गाड़ी का लेंथ, शेयर जो लेंथ है वो देख लीजिए, ये एस क्लास से 18 सेंटीमीटर्स लॉन्गर है इसका व्हील बेस, एंड ये तो मतलब काफ़ी लंबी गाड़ी है, दिस इज़ लाइक यू नो फ्रॉम कानपुर टू नागपुर वाला इसका लेंथ है। अगर आप मुझे पूछे तो इसका जो की हाईलाइट है दैट इज़ दिस, आपको 19 इंचेस के माइबाक वाले अलॉयज मिल जाते हैं, टायर्स मिल जाते हैं, दिस इज समथिंग वेरी डोमिनेटिंग, वेरी इम्पोजिंग, एक रॉयल, एक प्रीमियम लुक आपको मिल जाता है। माइबा के साइड प्रोफाइल में जो डोमिनेट करता है अलॉन्ग विद द अलॉय व्हील्स वो है ये, फ्लश डोर हैंडल्स है ये, और ये चलता है स्वाइप मोमेंट में, आई जस्ट नीड टू स्वाइप दिस और ये आ गया बाहर, दैट्स हाउ इट इज़। दूसरी चीज़ जो यू नो इट हाईलाइट करता है साइड प्रोफाइल को, वो है क्रोम के डोर पिलर्स, यहाँ पे आपको क्रोम
फिनिश, मिरर फिनिश मिल जाता है, नॉट लाइक दोस मास्ट आउट ब्लैक फिनिश। क्रोम का बेल्ट लाइन है, एवरीथिंग लुक्स वेरी क्लासी, वेरी ह्यूज, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, फोर एक्सएल बोल दीजिए, दिस इज द माइबाग एंड दिस इज द एपिटोमी ऑफ लग्जरी। जो इसको उभारता है या फिर दुनिया को बोलता है कि दिस इज द माइबाग, वो है ये। द माइबाग का डबल ट्रिपल एम वाला जो लोगो है वो आपको मिल जाता है ऑन द सी पिलर। This is something that tells the world ki bhaiya you are the person and you have made it. This is the Maybach. Let us check out the rear profile of the Maybach. Maybach ka front profile, side profile jitna sundar hai, jitna हटके है, अलग है, उतना ही हटके अलग इसका रेयर प्रोफाइल है। आपको S580 का बैजिंग मिल जाता है, इंटेलिजेंट एडाप्टिव फ्यूचरिस्टिक टेल लैंप्स मिल जाते हैं, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, आपको बताएंगे इन आर कंप्लीट रोड टेस्ट। बम्पर जो है वो भी अलग है, लॉट ऑफ क्रोम एलिमेंट्स, लॉट ऑफ ब्लैक एलिमेंट्स, लॉट ऑफ डार्क एलिमेंट्स, काफ़ी अलग, काफ़ी हटके है इसका प्रोफाइल। माइबाग का जो ब्रांडिंग है, जो एक खूबसूरत नाम दिखाई लिखा हुआ है, वो आपको मिल जाता है बूट पे। बूट तो इलेक्ट्रिकली ओपनेबल है ही, दिस इज हाउ इट ओपन्स अप। बूट कैपेसिटी की तो बात हम करेंगे नहीं, बिकॉज दिस इज द माइबाग, ये सामान ले जाने के लिए नहीं है, लेकिन देन टू आपको बूट बता रहे हैं, इलेक्ट्रिकली ओपनेबल, इलेक्ट्रिकली क्लोजेबल बूट लिड है इसका। लेट्स चेक आउट द इंटीरियर्स ऑफ दिस ब्यूटी। भाई माइबाग जानी जाती है अपने रेयर सीट कंफर्ट के लिए, तो हम इसके इंटीरियर का रिव्यू ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे विद द रेयर सीट। दिस इज हाउ यू गेट इनटू द कार। हम ये अभी सनरूफ खोल रहे हैं, दिस इज मैजिक, और ये डोर भी बंद होता है विद जेस्चर कंट्रोल, बट देन यू ऑल्सो हैव अ बटन ओवर हियर। ये दूसरा मैजिक, एक मैजिक, दो मैजिक। नाउ मैं आई एम इन द लैप ऑफ एक्चुअल लग्जरी। हम मर्सिडीज को लग्जरी कहते थे, बट देन नाउ आई नो कि एक्चुअल लग्जरी या फिर लग्जरी रेस टू टू क्या होता है, वो होता है ये। यू गेट अ वेरी गुड बिजनेस क्लास, अगर आप एयरक्राफ्ट सीट से कंपेयर करें तो दिस इज़ द एयरक्राफ्ट बिजनेस क्लास सीट। आपको माइबाग का पिलोज मिल जाता है, यू गेट दिस आर्म रेस्ट ओवर हियर, आपको ये टच कंट्रोल का एक टैब मिल जाता है विच यू कैन ऑल्सो गेट इट आउट। ये आ गया बाहर, एंड यू नो आई एम द बॉस, आई कैन यूज़ द टैब, आई कैन यूज़ द टच स्क्रीन ओवर हियर। ये फॉर योर नॉलेज यूज़ करता है द लेटेस्ट जनरेशन मर्सिडीज़ का जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको ये यूज़ करता है। दिस इज़ द लेटेस्ट जनरेशन वन दैट दे आर यूजिंग ग्लोबली, तो दिस इज़ द टैब, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे वापस, ये बैठ गया यहाँ पे। एंड कंटिन्यू करते हैं हमारा रेयर सीट का जो कम्फर्ट है उसका, उसको आपको आपको बताते हैं। बॉस सीट जिसे कहते हैं वो है ये, एंड द सिंपल रीज़न बिहाइंड इज कि आई कैन जस्ट कन्वर्ट द सीट इनटू यू नो समथिंग लाइक अ बिजनेस क्लास सीट, नॉट लाइक अ बिजनेस क्लास सीट। मैं इसको इंक्लाइन, रिक्लाइन, एवरीथिंग इंक्लूडिंग माय काफ सपोर्ट, आई कैन इवन गेट काफ सपोर्ट, आई कैन गेट सीट मसाज, सीट कैनेटिक्स, आई कैन गेट यू नो मेरा जो बैक एंगल है वो मैं इंक्लाइन कर सकता हूँ। इनफैक्ट गाड़ी में इतने सारे सेंसर्स हैं कि जब मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा, इनफैक्ट चार लोग जब बैठेंगे तो ये सेंसर्स रिकग्नाइज करता है, रीड करता है उसकी हाइट, द पर्सन्स हाइट एंड यू नो देयर बॉडी बिल्ट, और उसी तरह से ये सीट बेल्ट को की हाइट को एडजस्ट करता है। इट यू नो कम्स आउट एंड गिव्स द सीट बेल्ट टू यू दैट यू डोंट नीड टू स्ट्रेच आउट फॉर द सीट बेल्ट। इसके अलावा द लाइट्स आर सो इंटेलिजेंट कि अगर आपने नीचे बेंड करा कुछ सामान उठाने के लिए तो अपने आप ये लाइट लग जाएंगे। द लाइट्स कम ऑन टू गाइड यू, टू शो यू कि यू नो द फ्लोर ऑफ द कार। यू ऑल्सो हैव योर टच स्क्रीन, यू हैव योर टैब ओवर हियर, यू हैव योर सीट का यू नो मसाज, यू हैव अ साउंड सिस्टम, ब्रमस्टर का साउंड सिस्टम मिल जाता है आपको। दिस इज 30 स्पीकर्स, येस 30 स्पीकर्स है इसमें, एंड 8 पल्सेटर्स, 38 स्पीकर्स बोल दीजिए या 30 प्लस 8 बोल दीजिए। दिस इज़ द साउंड सिस्टम दैट कम्स ऑन द एस क्लास, द एस क्लास माइबाग, लैप ऑफ लग्जरी, दिस इज़ द माइबाग। आपको 4 जोन एक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, यू गेट 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इंटेलिजेंट क्लाइमेट कंट्रोल है, यू गेट अ वेरी इंटेलिजेंट एम्बियंट लाइटिंग, दिस इज़ द इंटेलिजेंट एम्बियंट लाइटिंग। ये आपने देखा होगा इन द ऑन द एस क्लास, बट दिस इज अ स्टेप अहेड ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप AC का टेम्परेचर बढ़ाते हो या कम करते हो, सो दीज लाइट्स टर्न रेड, दे टर्न ब्लू वैन यू लोअर द टेम्परेचर, वैन यू यू नो पुट अप द टेम्परेचर, तो ये दे मतलब टर्न रेड, दिस इज दैट इज द सीक्वेंस दैट दे गो इन टू।
माइबा का जो ब्रांडिंग है वो आपको सब जगह मिलेगा. यू गेट इट हियर, यू गेट इट ऑन द पिलो, यू गेट एवरीवेयर. आपको ये रिमाइंड करता है कि ये माइबा है, ये नॉर्मल एस क्लास नहीं है. रेयर सीट कम्फर्ट एंड द प्रीमियमनेस, एवरीथिंग इज टॉप क्लास ऑन दिस कार. आई डोंट नो कितने माइबाग ओनर्स खुद गाड़ी चलाएंगे, लेकिन इफ़ यू आस्क मी, मैं कभी कभार चला लूँगा अगर मुझे माइबाग मिलेगी तो आई मे ड्राइव इट. इसीलिए मैं अभी ड्राइवर सीट में हूँ. माइबाग का ब्रांडिंग कंटिन्यूज एवरीवेयर, एवरीवेयर प्रीमियम. आपको स्टेयरिंग लेदर मिल जाता है, यू गेट दिस वुड फिनिश ओवर ईयर. ब्रांडिंग माइबाग का ऑन द पेडल्स, ऑन द स्टेयरिंग, एवरीथिंग इन टू योर फेस. यू गेट यू नो प्रीमियमनेस से ये गाड़ी लोडेड है, लथपथ है टू द टॉप मोस्ट लेवल. अगर आप कंफर्ट की बात करें तो आपको ये यू नो यू गेट दिस कन्वीनियंस के लिए, यू गेट दिस नाइस फ्लोटिंग वाटरफॉल इफेक्ट वाला. मेरा हाथ यहाँ से गया, यहाँ से बाहर आ गया, दैट इज़ द वाटरफॉल इफेक्ट. यू गेट दिस टैब लाइक टच स्क्रीन, अगेन आपने ये एस क्लास में देखा होगा. यू गेट अ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विच अगेन इज यू नो फ्रॉम द एस क्लास, लेकिन इसमें आपको माइबाग का एक ड्राइव मोड मिलता है विच यू डोंट गेट ऑन द एस क्लास. सो दिस इज़ अ स्पेशल माइबाग का मोड. माइबाग का ब्रांडिंग क्लस्टर पे भी है, लेदर है, हैंड स्टिचिंग है. यू गेट दिस कार्बन फिनिश का जो इनले है वो आपको मिल जाता है. लॉट ऑफ मेटल एसी के वेंट्स गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन द फ्रंट. पीछे आपको 4-5 और मतलब वेंट्स मिल जाते हैं. इंटेलिजेंट आपका रेयर व्यू मिरर है. यू गेट दिस एम्बियंट लाइटिंग ओवर ईयर, ओवर ईयर, ओवर ईयर, ओवर ईयर. आई एम जस्ट गोइंग क्रेजी. आपको हम कंप्लीट रिव्यू बताएंगे. आई वी हैव लेस टाइम टू गेट यू द फर्स्ट वॉक अराउंड रिव्यू राइट नाउ, लेकिन दिस इज द माइबाग एंड यू आर वॉचिंग मोटर वर्ल्ड इंडिया. माइबाग एस 580 को पावर करता है ये. दिस इज अ V8 इंजन. दिस इंजन मेक्स 503 PS ऑफ पावर. इसमें आपको 700 Nm टॉर्क मिल जाता है. दिस कम्स विद अ 9 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन. यू गेट ऑल व्हील ड्राइव एज स्टैंडर्ड ऑन दिस कार एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू ड्राइव दिस कार. दिस इज द माइबाग एंड यू आर वॉचिंग मोटर वर्ल्ड इंडिया. मुझे आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, बिकॉज दिस इज़ द एपिटोमी ऑफ लग्जरी, द मर्सिडीज माइबाग एस 580. आई एम श्योर यू मस्ट हैव लव्ड द कार एज मच एज आई हैव लव्ड गेटिंग द डिटेल्स, गेटिंग दिस वॉक अराउंड रिव्यू टू यू. आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को. आपको बेल आइकन भी हिट करना है, हमारा मोटिवेशन बूस्ट करना है, हौसला अफजाई करना है. देखते रहना है मोटर वर्ल्ड इंडिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.